मोबाइल भाई मोबाइल से नम्र निवेदन है, प्लीज मोबाइल पीछे ले लीजिए। एक मिनट बाइट्स के लिए करना है तो यही से करो। रोहित रवि करो, रवि देता रोलिंग कैसे बैठेगा? एक कुर्सी इधर ले लो ना, एक और कुर्सी चाहिए, एक और जैद के लिए कुर्सी, थोड़ा उधर जा, थोड़ा आ जा इधर आओ। आवाज आ रही है भाई? ओके सर, तो सबसे पहले तो बीओ के लॉन्च के लिए आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपका अवेस से एसोसिएशन रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अवेस तो पहले बता दूं कि इस्माइल जो मेरा भाई है, हम लोग बहुत गहरे दोस्त थे सालों से, मतलब 18-19 साल से मैं उनको जानता हूँ, 20 साल से हम दिल दे चुके सनम की थी। तब अवेस 6 साल का 7 साल का था, छोटे छोटे थे, जैद छोटा अनम, तो ये उनको देखा है बचपन से उनके खार के घर में, तब से वो मुझे कहते थे कि एक बार हमारा डांस देख लो। तो अवेस बहुत डांस दिखाता था मुझे उस वक्त जब हम दिल कर रहे थे, तो इतने सालों से देखा है उनको, आस्ते आस्ते यहाँ तक आते हुए देखा है। अब आज उनकी खुद की एक ये डांस स्कूल खुल गया है, तो बहुत फख्र की बात है मेरे लिए, इस्माइल भाई के लिए, हमारे घर के लिए। एंड आई रियली विश जैद, तेजल एंड अवेस रियली ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय हार्ट, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, एंड बहुत जल्दी कोरियोग्राफर भी बन जाए अवेस तो बहुत बड़ी बात होगी। तो I really wish them all the best and all the good. Thank you, Sanjay. तो बहुत ही बड़ी influencer भी है social media पर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो ये तो उन्होंने बहुत पाया है ना इतनी मेहनत करके भाई, तो सोशल मीडिया का जैसे बहुत कुछ समझ में नहीं आता मेरे को, वो क्या होता है ये सब मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन सर जल्दी काम करना चाहेंगे आवेश के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये इतना अच्छा डांस करता है, मुझे मैंने कोई उसके क्लिपिंग्स देखे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक कोरियोग्राफर है उसके अंदर बहुत बड़ा, क्योंकि वो हर गाने को शायद कभी कभी कोरियोग्राफर से भी बेटर करके दिखाता है, तो एक्चुअल हीरो से भी बेटर करके दिखाता है वो, तो बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक वेरी वेरी सून ही बी अ कोरियोग्राफर, गॉड ब्लेस हिम। एक आखिरी सवाल, यस, किसका ये कहाँ की वैसे बात है? बिल्कुल, कोई किसी का इंसल्ट क्यों करे, किसी का भी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो टैलेंट कुछ भी हो, तो ये सवाल में समझ में नहीं आया मुझे। चलो क्या कर रहे हैं? सिंगल यार, अरे बंगाली बस कर यार, ओके इज रोलिंग। ओके सबसे तो क्या कहना चाहेंगे यार, बीयू का लॉन्च है, बताइए कुछ इसके बारे में। बीयू
जैद अवेज तेजल इन सबका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एंड एज यू कैन से सी दैट अवेज इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड कोरियोग्राफर ही ऑलवेज वॉन्टेड टू इंस्पायर अदर्स एंड यू नो उसका एक ड्रीम था कि वो बाकी लोगों को भी सिखाए डांस और ये फाइनली हो रहा है जो एक होता है तीन चीज़ें होती है दो तीन चीज़ें होती है ब्रेन टैलेंट देन फेम ये सब चीज़ें एक साथ आके ये बीयू हुआ है एंड हम लोग इतने खुश हैं कि मिस्टर संजय लीला मंसाली आए थे यहाँ पे उन्होंने ओपनिंग किया है सो वी फील वेरी प्रिविलेज्ड फॉर दैट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट अवेज जैद बिकॉज उनका ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्पेशली अवेज का कि उसको हमेशा से वो टैलेंट था बट उसको और एक्सपोजर चाहिए था एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट मेक अस प्राउड एंड ऑफ कोर्स तेजल एज वेल एक्चुअली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है बट एक अच्छी फीलिंग हो रही है अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इंशाल्लाह सब ठीक ही जाएगा होपफुली ओके इसी के साथ कुछ बताइए आज के कि मतलब कि क्या होने वाला है क्या क्या मतलब किस तरीके के डांस होने वाले हैं क्या क्या सिखाने वाले हैं बेसिकली हम लोग अभी सारे डांस टीचर्स जो भी इंडिया में टॉप नंबर पर हैं उन सबको अप्रोच करने वाले हैं और एक अच्छा बड़ा डांस स्टूडियो खोलेंगे जिसमें सारे टाइप को हर टाइप के डांस फॉर्म्स होंगे कंटेम्प्रेरी टू हिप हॉप to Bollywood, to ballet, to salsa, to everything. Dance ke saath, we are trying to reach out different things also, like fitness, ye sab bhi. Correct, Zumba and all of that. So we are reaching out on many levels. So, haan, boring nahi rakhna hai, sab different hi rakhna hai. Jis tarike se sabne bataya ki matlab ye aapka dream project hai. To matlab aaj jab sabne pure ho gaye, to matlab kya feel hai? Jaise bataya, I'm feeling very good. Yeah, I'm blank right now. I have no words actually. अदरवाइज बहुत सारे होते हैं मेरे वीडियोज़ में मैं इतना बात करता हूँ पर आज एक्चुअली मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है सो आप समझ सकते हो कि क्या फील कर रहा हूँ मैं